आप एक चीज बता देते हो, उसको नोट कर लो। दो किस्म के एंगल हैं जो हमने आप पढ़ने हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक को आप बोलते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वो आप वाला वाला डिप्रेशन नहीं है जो टेंशन आप लेते हो। ये डिप्रेशन जरा देखते हैं क्या है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट वही है नीचे। डिप्रेशन का मतलब आप क्या कह सकते हो, खैर छोड़ो इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले बेसिक बात आप ये सीख लो कि दो, ये सर्च कर सकते हो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है उसको कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते थे। ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन जब भी दो पैरेलल लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो खास बातें कुछ आपको मिलती हैं। इनके नाम भी होते हैं सब एंगल्स के, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा। सही है। इसी तरीके से एक और बात भी होती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे। आप मालूम करके देख लो, जो ये एंगल होगा वही ये होगा। इनको हम कहते हैं, मैं ख्याल में ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। आप लोग गूगल पर सर्च करना बेहतर, आप लोगों को नाम के साथ मिल जाएगा। चार पांच किस्म के एंगल्स होते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल दो एंगल आपके लिए जानना जरूरी है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये दो बातें आपको बस पता होनी चाहिए, तो आप जो मैं बताने लगा ये आप लोग वर्ड प्रॉब्लम में चीजें सीख जाओगे। अब आ जाओ एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है कि सबसे पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल जिसका जीरो स्लोप हो, और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है कि मैं आंख से देख रहा हूं जिस भी ऑब्जेक्ट को, तो मेरी आंख से लेके उस ऑब्जेक्ट तक का जो एक लाइन बनेगी ना उसको आप कहोगे लाइन ऑफ साइट। जिसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि कंसिडर कर लो ये मेरी आंख है। सही है, बहुत ही बेहुदा आंख बनाई है। और कंसीडर कर लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ तो ये पूरी चीज क्या है, ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। मेरी आंख से लेके ऑब्जेक्ट तक जो मैं देख रहा हूँ इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये है, इसको नॉर्मली हम ऑब्जर्वर कहते हैं, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, और ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस लाइन और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल है। तो इस लाइन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के दरमियान जो एंगल बनता है इसको आप कहते हो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको आप कहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसमें शर्त क्या होती है कि ऑब्जेक्ट ऊपर होना चाहिए, मतलब आपने ऊपर देखना है इस तरीके से। तो आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर भी बल्ब नजर आ रहा है मुझे, तो मेरी आंख से लेकर ऊपर जो बल्ब है उसके दरमियान जो लाइन बन रही है उसको लाइन ऑफ साइट कहोगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल है मेरी आंख को बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो इस लाइन ऑफ साइट और इस, मतलब इस तरह बन रहा होगा, एक लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो दरमियान में एंगल बन रहा है इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जब आप नीचे देखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन में आप नीचे देखोगे। तो कंसीडर कर लो अब मेरी आंख जो है वो यहाँ पे आ गई है, ये ऑब्जर्वर है मतलब मैं, और ये कोई नीचे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम नीचे ले आए हैं, तो मेरी आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो लाइन बन रही है अगेन ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल तो अगेन वही होगा, अभी भी ये हॉरिजॉन्टल है। तो इस हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट अगेन जो एंगल बन रहा है, अब इस एंगल को आप बोलोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। फर्क बस इसमें ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर, इसमें ऑब्जेक्ट नीचे, इसलिए डिप्रेशन एलिवेशन। एलिवेशन आप एक हाइट को कहते हो ना, तो एलिवेशन मतलब आप ऊपर और डिप्रेशन मतलब आप नीचे किसी को देख रहे हो। तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। लिखा हुआ है वर्टिकल स्टिक 16 मीटर लॉन्ग, कास्ट आ 12 सेंटीमीटर। अच्छा मिस्टेक ठीक कर लेना कि यूनिट सेम होंगे यहाँ पे, यूनिट अलग नहीं होंगे क्योंकि सेंस नहीं बन रही ना। सेंस बन सकती है फिर भी, लेकिन जवाल के वक्त सेंस बन सकती है। जवाल क्या होता है किसी को पता है यहाँ पे, जवाल का वक्त, माशाल्लाह मुसलमान हो, किसी को जवाल का नहीं पता क्या होता होते हैं है, क्या होता है उरूज का अपोजिट। उरूज के ऑपोजिट, उरूज का, अरे वो नहीं कह रहा मैं, एक सूरज की टर्मिनोलॉजी में यूज कर, जवाल का वक्त बोला जाता है, एक वक्त होता है जिसको हम कहते हैं जवाल का वक्त है। ये सुना नहीं है तुम लोगों ने कभी, मैं वो ऑपोजिट वाला सवाल नहीं पूछ रहा, सुना है सर, सुना हुआ है लेकिन पता नहीं है ना, मैं आई बताता थिंक हूँ। शायद उस टाइम पे इबादत नहीं कर सकते हम।
हाँ नहीं बिल्कुल सही बात बोली है। जवाल के वक्त वो होते हैं जिस वक्त 2-3 4-5 मिनट होते हैं जिसमें आपको नमाज वमाज नहीं पढ़ सकते, कोई भी नमाज अलाउड नहीं होती, और जैसे जवाल का वक्त खत्म होता है आपके जोहर का वक्त स्टार्ट हो जाता है। ये पता होनी चाहिए बातें, इंसान के बच्चे बन जाओ, इतने बड़े हो गए तुम लोग, इस्लाम भी सीख लो। असल चीज होती है जवाल का वक्त मालूम कैसे करना है, ये होता क्या है भाई। जवाल का वक्त वो होता है जिसमें आपका सूरज सेंटर पे आया है। सेंटर होने का मतलब ये है कि आप अगर, अब जाहिर सी बात सूरज तो मूव नहीं करता, अर्थ मूव कर रही है, लेकिन हम अपने रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि हमारे, क्योंकि हम तो अभी रुके हुए हैं ना, हमें ऐसा लग रहा है कि हम रुके हुए हैं, हालांकि हम रोटेट कर रहे हैं अर्थ के साथ, सूरज रुका हुआ है, लेकिन हम अपने रिस्पेक्ट से बात करें तो सूरज हमारा घूम रहा है पूरा। तो कंसिडर कर लो सूरज आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये सूरज है, ये स्टार्ट होके पूरे दिन में जाते 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 यहाँ पे गुरूब हो गया, हम अपने अर्थ के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो जो सूरज जब सेंटर में आता है ना, उस सेंटर को आप बोलते हैं जवाल। उस वक्त होता क्या है कि सूरज आपके बिल्कुल ऊपर होता है, उस वक्त अगर आप जवाल के वक्त जाके अपनी छत पे कहीं भी खड़े हो ना, आपका शेडो जो है वो सबसे मिनिमम होता है। लाइक आपका शेडो समझ लो, अगर आप खड़े हो ना, छोटा सा शेडो आपका बन रहा होगा, ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म सा शेडो होगा आपका। क्यों? क्योंकि कोशिश इसको इस तरह समझो, अगर आपके ऊपर एक लाइट है, शेडो क्या बनेगा? शेडो कुछ भी नहीं बन रहा होगा, बहुत हल्का सा शेडो बन रहा होगा आपका। तो वो जो वक्त है ना, इसको बेस्ट तरीका होता है कि जवाल के वक्त ना आप एक पेन जो है ना वो छत पे जाके पेन को खड़ा कर दो किसी तरह। आप खुद देखोगे जवाल के वक्त उसका शेडो खत्म हो जाएगा, क्योंकि शेडो उस वक्त बनता है ना जब ऑब्जेक्ट आपकी इस तरह है और इसके ऊपर ही मैं टॉर्च रख दूं, टॉर्च तो शेडो नहीं बनेगा। अगर मैं टॉर्च यहाँ पे लाऊंगा अब शेडो बन रहा होगा, या मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तब शेडो बन रहा होगा। तो जवाल का वक्त वो होता है जिस वक्त आपका शेडो नहीं बन रहा होता। जैसे आपका शेडो बनना स्टार्ट होता है, मतलब सूरज जैसे ही इधर होता है, जोहर का वक्त स्टार्ट हो जाता है। तो मेन इस टाइम पे आपको नमाज अलाउड नहीं है, जैसे सूरज 2-3 मिनट की बात है, जैसे वो हटता है, दैट्स इट, आपका जोहर का जो वक्त है वो स्टार्ट हो जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो अगला सवाल है ना वो इसकी सूरज के हिसाब से ही है। तो एक बात आप ये देख लो, अगर आपके पास 16 मीटर, बुक में लिखा हुआ है 16 मीटर लेंथ है स्टिक की, और उसका शेडो बन रहा है 12 सेंटीमीटर, तो ये प्रैक्टिकल है नहीं बात, ये जवाल के वक्त ही प्रैक्टिकल हो सकती है कि इतनी बड़ी चीज है उसका शेडो इतना छोटा सा बन रहा है। तो दैट्स माई, यूनिट को सेम कर लो, ये बुक में मिस्टेक है। या तो आप दोनों को 16 मीटर 12 मीटर कर लो, या दोनों को 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर कर लो। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर कर लो, क्योंकि 16 मीटर की रॉड बहुत बड़ी हो जाएगी। 16 मीटर का मतलब 48 फिट, 50 फिट तकरीबन, तो वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। तो प्रैक्टिकल बात करते हैं, हमारे पास सवाल में एक स्टिक गिवन है, लेंथ ऑफ स्टिक, तो आप उसका यूनिट चेंज कर लेना, आप उसको बोल देना कि उसकी लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर है लेंथ ऑफ शेडो, जो उसका साया पड़ रहा है वो है 12 सेंटीमीटर, ये आपको डेटा गिवन है। और मालूम क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ना, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहाँ पे मालूम करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। देखो एक तो इसका तरीका है कि आप लोग रट्टा मान लो, वो रट्टा मैं बोलना नहीं चाह रहा, कॉन्सेप्ट सीख लो। इसको इस तरह समझ सकते हो कि सूरज का शेडो आपका किस तरह पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, मेरी बॉडी भी नहीं जाना, कंसिडर कर लो मैं यहाँ पे हूँ, हाँ, और सूरज के यहाँ पे, सूरज भी बना देते हैं हम, कंसीडर कर लो यहाँ पे एक सूरज है, बचपन में सूरज इसी तरह बना देते हैं हम। अच्छा, तो अब मैं सूरज की तरफ देख रहा हूँ, कंसीडर कर लो ये सूरज है, मैं बिल्कुल यहीं पे खड़ा हूँ और ऐसी मेरी बॉडी है, बिल्कुल मैं सूरज की तरफ यूं देख रहा हूँ। तो होगा ये है मेरी लाइन ऑफ साइट, जो मैंने आप लोगों को बताया था लाइन ऑफ साइट होती है, और ये है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा इसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अभी इसकी बात नहीं हो रही, इसमें तो शेडो इन्वॉल्व नहीं है ना, हमें शेडो भी इन्वॉल्व करना है। अच्छा, शेडो बनता कैसे है? शेडो उस वक्त बनता है जब आप लाइट के सामने आ रहे हो, बेसिक सी बात है। तो अगर आप लाइट के सामने ना होते तो ये जो सूरज की जो लाइट थी पूरी, ये इस तरह जाती ना सामने, कंसीडर कर लो जमीन है, तो इस तरह पड़ रही होती, लेकिन आप इसके सामने आ गए हो तो अब लाइट जो है वो जमीन पे नहीं पड़ रही होगी, तो इसका मतलब आपका शेडो, ये पूरा रीजन जो है शेडो वाला होगा। इसके बाद जो है अब वो धूप पड़ रही होगी, तो ये जो छोटा सा रीजन है शेडो का होगा, क्योंकि आप सूरज के सामने आए हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, ये वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करो जो थोड़ी देर पहले बताया था, कि अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वही यहाँ पे एंगल बनेगा, ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कंसिडर कर लो आप सूरज को देख रहे हो, ये लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल बन रहा है, जो एंगल यहाँ पे वो एंगल यहाँ पे। तो अब इसको स्टिक पे ले आओ, कि कंसिडर कर लो एक स्टिक थी जिसकी लेंथ थी 16 मीटर, मैं एक्चुअल डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों को, ये बनानी है आप लोगों ने, कि कंसीडर कर लो एक स्टिक है, इसकी लेंथ सवाल में गिवन है कि 16 सेंटीमीटर की है। कंसीडर कर लो यहाँ पे कि सूरज वूरज था,
यहाँ पे जब पड़ेगा तो एक्चुअल में उसकी ये लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए थी, लेकिन दरमियान में स्टिक आ गई है तो ये पूरा शेडो होगा, जितनी स्टिक है ना ये पूरा शेडो है। तो इस पूरे शेडो की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पे एंगल बन रहा था, एलिवेशन जो भी था, जो यहाँ पे बन रहा होगा सेम यहाँ पे ही बन रहा होगा। तो ये वो एंगल है जो आपको यहाँ पे मालूम करना है। बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस वर्ड प्रॉब्लम में? सिचुएशन समझ आई कि शेडो क्या बन रहा है, स्टिक की लेंथ क्या है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? ये बात समझ है सबको? हाँ ना कर दो भाई। यस सर। अच्छा जी। अच्छा फॉर एग्जाम्पल सूरज की पोजिशन पे आपका शेडो काफी असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सूरज को मैं यहाँ पे ले आऊं, ये सूरज है आपका, तो अब आपका शेडो देखना कितना बड़ा हो जाएगा। असल में लाइन ऑफ साइट ये होनी चाहिए थी, आपने ब्लॉक किया ना, तो अब देखना इतना बड़ा शेडो हो जाएगा आपका। ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट के तौर पे, अगर आपको पता हो असर के वक्त कभी देखना शेडो कितना बड़ा हो जाएगा आपका। वो असर की नमाज का टाइम निकालने का भी बड़ा आसान तरीका होता है कि जितनी आपकी हाइट है और उतना अगर आपका शेडो हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हाइट जो है नॉर्मली 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, तो अगर 5 फुट 10 इंच का ही शेडो आपका हो जाए, तो जैसे ही 5 फुट 11 इंच का शेडो होगा असर की नमाज का वक्त स्टार्ट हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस्लाम में मैथ इन्वॉल्व है। मैथ पढ़ने का फायदा ये है कि आप लोगों को सब चीजें आसानी से आ जानी चाहिए, एज कम्पेयर टू वो बंदा जिसने मैट्रिक पास की हुई है, फर्क होना चाहिए ना कुछ। तो इस तरीके से शेडो के हिसाब से, क्योंकि पुराने दौर में घड़ियां तो नहीं थी ना, तो शेडो सूरज चांद इनके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती थी भारत। तो जब जितना सूरज नीचे आता जाएगा ना, आप देखना असर के वक्त आपका साया कितना बड़ा जाता है। आप खड़े होते हो तो वो साया आपका दूर जा रहा होता है, क्यों? क्योंकि सूरज की पोजीशन चेंज होगी ना। इसी तरह सूरज जितना ऊपर आएगा उतना साया आपका छोटा होगा, साया आपका इतना छोटा सा हो जाएगा चुन्ना सा। कभी आपने प्रैक्टिकल किया होगा, बचपन में हमारी लाइट जाती थी ना, तो लाइट के सामने अगर आप हाथ रखो, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है, मैं पता नहीं कहाँ पे निकल गया हूँ लेकिन चलो बता देता हूँ, कंसिडर कर लो ये आपकी एक टॉर्च है, लाइट निकल रही है यहाँ से पूरी, ठीक है? तो आप अपना हाथ रखते हो यहाँ पे, कोई भी चीज है कंसिडर कर लो ये आपका एक हाथ है, तो जितना वो चीज दूर होगी ना उतना शेडो उसका छोटा होता है। अभी लाइन ऑफ साइट ये होगी, कंसिडर कर लो दीवार है, तो ये शेडो पड़ रहा होगा पूरा, इतना सा शेडो होगा। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे ले आओ, मतलब आपने करीब ले आए थोड़ा इसको, तो अब ये होगा कि अब ये वाला पूरा शेडो बन रहा होगा इसका, अब इतना बड़ा शेडो बन रहा होगा। तो ये मैं बचपन में किया करता था, आप लोगों का मुझे पता नहीं, अभी भी करता हूँ, लाइट नहीं जाती, जब जाती है तो कर लेता हूँ, कि जो टॉर्च है उसके करीब हाथ रखोगे तो देखना हाथ इतना बड़ा नजर आ रहा होगा आपको दीवार पे, जितना दूर लेके जाओगे हाथ की एक्चुअल फिगर जो है ना, मतलब एक्चुअल साइज आपको दीवार पे नजर आ रहा होगा। खैर बहुत आगे निकल गए हम, तो ये आपने डायग्राम जो है पूरी बना ली है। अब जरा इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ, सॉल्व आपने कैसे करना है इसको। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, करना कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए। आप अगर इस एंगल के हिसाब से बात करो, ये साइड ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, ठीक है? और तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो आपको यहाँ पे कोई और चीजें निकालनी। अब आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नहीं बोला हुआ, तो रिमेनिंग आपको निकालने को नहीं बोला हुआ, आपको जस्ट बोला हुआ कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, जिसको मैंने अल्फा का नाम दे दिया। तो सवाल में भी यहाँ पे अल्फा लिख दो कि जो हमने एंगल निकालना है वो जस्ट अल्फा निकालना है, बाकी किसी एंगल निकालने में या साइड निकालने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमें अल्फा चाहिए। तो अल्फा निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे भाई? यूजिंग क्या यूज करना है भाई? आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है जिसमें ये दो साइड आती हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता, फंस जाओगे। तो वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करो जिसमें दो साइड आती हो। तो कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पे? 10। एक्सीलेंट, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेंजेंट अल्फा हो जाएगा 16/12, जो कि बराबर होता है 4/3 के। और यहां से आप अल्फा निकालोगे, अल्फा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3, और एक कैलकुलेटर से निकालेंगे हम और आपके पास आंसर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 53.13 डिग्री। सवाल आपका कंप्लीट। अगर मैं डायरेक्ट डायग्राम बना देता ना और ये सूरज वूरज ना बनाता, तो आप लोगों को मजा नहीं आता, तो थोड़ी मैंने कहा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूँ। अच्छा जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा हुआ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर। अब टावर आ गया, टावर को भी देख लेते हैं। पहले डाटा क्या गिवन है, फुट ऑफ टावर, टावर की लेंथ गिवन है 169 मीटर। तो लेंथ ऑफ टावर, टावर की लेंथ है 169 मीटर, और क्या गिवन है सवाल में? इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई ना कोई एंगल होगा, इसको बाद में हम नाम देंगे तो हम लिख देंगे, और क्या है 48 डिग्री मिनट। बोला हुआ क्या है,
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम फुट ऑफ टावर, बंदे और टावर के दरमियान डिस्टेंस। अब इसको इस तरह समझो, बंदा है, एक टावर है, कंसीडर कर लो यहां पे एक टावर है, इसकी लेंथ में बोलता हूं 169 मीटर है, और ये इसका फुट ऑफ टावर का मतलब होता है जो टावर की बिल्कुल बेस है, जो फुट कहलाता है, बिल्कुल जैसे पाऊं होता है ना, बिल्डिंग का पाऊं क्या है, बिल्कुल नीचे जो बेस है उसकी। तो एक बंदा है वो यहां से एक डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, कंसीडर कर लो वो बंदा यहां पे है, छोटा सा बंदा बनाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि बिल्डिंग 169 मीटर की है और नॉर्मल हमारी हाइट कितनी होती है, 1.7 मीटर, 1.8 मीटर नॉर्मल ये हाइट है ना, तो उसके कंपैरिजन में बहुत चुनना सा होगा ये पूरा। तो कंसीडर कर लो बंदा यहाँ पे, इस बंदे इस फुट के दरमियान ये जो पूरा डिस्टेंस है ये आपको निकालना है। तो अभी इसको हम बाद में नाम देते हैं, ये पूरा आपको निकालना है। अच्छा, और क्या सवाल में गिवन है? सवाल में गिवन है कि उन्होंने वर्डिंग दी हुई है कि इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है अगर ऊपर से आप नीचे देखो, लिखा हुआ इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द मैन फ्रॉम इट्स टॉप, कहने का मतलब इस बिल्डिंग के अगर आप टॉप पे चले जाओ और इस बंदे को देखो, मैं बिल्डिंग के टॉप पे चला जाऊं और अगर इस बंदे को मैं देखूंगा, नीचे देख रहा हूं ना मैं, बिल्डिंग के टॉप पे जाके मैं देखूंगा उसको खड़ा हुआ होगा वहां पे, तो टॉप से जो नीचे देखने पे एंगल बनता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये है लाइन ऑफ साइट, ये पूरी लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल बन रहा है यहां पे 48 डिग्री 30 मिनट। लेकिन मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, देखो एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो जो आपका यहां पे एंगल बन रहा होगा ना वही यहां पे एंगल बनेगा, तो जो यहां पे एंगल बन रहा है वही यहां पे एंगल होगा, ये बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है? तो अगर आप टॉप पे जाओ और बंदे को देखो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था 48 डिग्री 30 मिनट, जो यहां पे एंगल बनेगा वही यहां पे एंगल बनेगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, आसानी से आप लोग कर लोगे। तो वंस आप इस स्टेज पे पहुंच जाओ, अब आपकी डायग्राम कंप्लीट है, चाहो तो इस ऊपर वाली चीज को मिटा सकते हो, चाहो रहने दो, नेमिंग करते हैं, ये वाली साइड को आप क्या बोल सकते हो, उसको ए बोल देना अगर चाहो तो, और ये एंगल जो है ये अल्फा है, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस उस बंदे और बिल्डिंग का, इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सी बोल देते हैं। तो एंगल कौन सा गिवन है, अल्फा गिवन है, तो इसको हम नाम दे देते हैं अल्फा का, और आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम फुट ऑफ टावर, हमने क्या नाम दिया, सी का नाम दिया है, वो आपको निकालना है। ये आपका सिंपल डाटा था, अब जरा सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन क्या करना है बच्चों, गिवन आपको क्या है, अगर आप अल्फा के हिसाब से बात करो आपको परपेंडिकुलर गिवन है, और आपको निकालना क्या, आपको बेस निकालना है, अगेन वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो, हाइपोटेन्यूज का कोई ताल्लुक नहीं है सवाल में, तो अगेन हम यूज करेंगे यहाँ पे टेंजेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा है यहाँ पे 48 डिग्री 30 मिनट्स, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 169, और बेस है यहाँ पे सी जो आपको निकालना है, निकाल लो, टेंजेंट को डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 48 डिग्री 30 मिनट्स, 169 अपॉन टेंजेंट 48 डिग्री और 30 मिनट्स, तो आंसर आएगा बच्चों 149.52 आफ्टर राउंड ऑफ, जो यूनिट बच्चों इसका होगा ना, इसका यूनिट मीटर है, सेम इसका यूनिट भी वही होगा, तो इसका मतलब उस बंदे का डिस्टेंस टावर से कितना है, 149.52 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, अ स्ट्रिंग ऑफ फ्लाइंग काइट इज 200 मीटर लॉन्ग, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, स्ट्रिंग होता है या स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग, हाँ 200 मीटर है, मैं बताता हूँ सिचुएशन क्या है यहाँ पे। अच्छा जी, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं बाद में इसको क्या नाम देना है क्या 58 डिग्री 30 मिनट्स, और फाइंड हाइट ऑफ द काइट स्ट्रिंग इज फुली स्ट्रेच, आपको निकालनी है हाइट ऑफ काइट, ऑफ काइट, इसको भी हम नाम देंगे जो डायग्राम हम बनाएंगे, जो भी है वो आपको निकालना है। अब देखो सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रही है, पतंग अल्लाह का शुक्र है सबने उड़ाई भी होगी, खासतौर पर मर्दों ने तो उड़ाई भी होगी, पतंग उड़ाने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाथ है, हाथ में पकड़ते हो ना आप, तो कंसिडर कर लो जो हाथ है मैं इसको यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूँ, ये छोटा सा एक हाथ है, ठीक है, हैंड बोल देते हैं इसको, यहाँ पे आपके पास एक पतंग होती है जिसका धागा यूं जा रहा था, कंसीडर कर लो वो आसमान पे पतंग उड़ी है, यहाँ पे हम एक पतंग बनाते हैं,
ये आगे पतंग, ये धागा आपका यहां से लेके जहां भी आपने बांधा हुआ होगा पतंग के वहां तक जा रहा होगा। अच्छा वैसे नॉर्मली अगर आप पतंग उड़ाते हो तो जिसने, आप लोगों में से किसी ने उड़ाई भी है क्या, मर्द हजरात में से या नहीं? यस सर। तो आपने एक नोट किया होगा जब आप उसको ऊंची उड़ाओ ना तो आपको धागा सीधा नजर नहीं आता, यूं धागा हुआ होता है, तो ये धागा होता है इस तरह का, ये आपका हाथ है ना तो एक झोल आया हुआ होता है पूरे उसके अंदर, क्यों? क्योंकि वो एयर प्रेशर होता है उसके ऊपर, स्ट्रेट बिल्कुल धागा नहीं होता, इसको हम कहते हैं सैगिंग। रोड बनाते हुए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इंजीनियरिंग सर्वे जो सब्जेक्ट है उसमें भी ये काफी रोल अदा करती थी चीज। खैर लेकिन उन्होंने सवाल में बोल दिया कि एज्यूम करो कि जो जो धागा है वो आपका फुली स्ट्रेच है, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है ना, प्रैक्टिकल स्ट्रेट लाइन होती नहीं है, उसके अंदर एक झोल आया हुआ था पूरे धागे के अंदर, लेकिन सवाल में उन्होंने बोल दिया कि जो एज्यूम करो, क्या वर्डिंग उन्होंने बोली थी कि व्हेन द स्ट्रिंग इज फुली स्ट्रेच, जब स्ट्रिंग जो धागा है मांझा जो है आपका वो अगर फुली स्ट्रेच है तब की बात की जा रही है कि उसकी लेंथ कितनी है, वरना अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो अब हाइपोटन्यूज ये बनेगा, ये आपका हाइपोटन्यूज है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो 200 मीटर होगी जबकि हाइपोटन्यूज आपका छोटा होगा, तो सवाल में मसला हो सकता है, इसलिए कि हमने एज्यूम कर लिया कि जो आपका वो धागा था वो फुली स्ट्रेच हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है वो, ये आपका पूरा हाइपोटेन्यूज है जिसकी लेंथ उन्होंने दी हुई है 200 मीटर पूरा, सही है? और क्यों गिवन था? एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये आपको ऑब्जर्वर कंसिडर कर लो, ये आप हो और इसको देख रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 58 डिग्री 30 मिनट। वैसे ये 58 डिग्री है नहीं, ये तो 30 35 है, डायग्राम थोड़ी आप इस लाइन को थोड़ा इस तरह कर देना ताकि थोड़ा दिखने में भी लगेगा एंगल 58 है। खैर और बोला हुआ क्या, हाइट ऑफ काइट कंसीडर कर लो, ये आपने रेफरेंस लिया है, यहां से आपने काइट की हाइट मेजर करनी है, कंसीडर कर लो ग्राउंड है, इस तरह समझ लो आप, यहां से आपने मेजर करनी है, तो हाइट क्या होगी यहां से लेके यहां तक, ये पूरा है क्या हाइट ऑफ काइट, कि जमीन से ऊपर काइट कितनी है, ये आपको मालूम करना है, ये सिंपल सवाल है, इसको आप ए बोल दो, इसको बी बोल दो, और ये नमूने जो बनाए हुए इनको हटा दो, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है? तो अब आपको क्या मालूम है, ए के सामने वाली साइड इसको लेवल करने की जरूरत नहीं है, इसको हम बी बोल देते हैं, ये है अल्फा, और मालूम आपको कहना हाइट ऑफ टावर है ना, हाँ तो लेवल करना पड़ेगा, ये ए हो जाएगा, तो हाइट ऑफ काइट है ए, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने यहाँ पे अल्फा लिया है, तो आपको क्या मालूम करना है यहाँ पे, ए मालूम करना है। अगेन आप ये बात देखोगे यार कि हमारे पास हाइपोटन्यूज और परपेंडिकुलर, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें हाइपोटन्यूज और परपेंडिकुलर आ रहा हूं, तो वो कौन सा होता है, साइन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटन्यूज मैंने यहाँ पे बी लिया हुआ है, जरा वैल्यूज पुट करो, अल्फा यहाँ पे क्या है 58 डिग्री 30 मिनट, और ए यहाँ पे क्या है वही तो निकालना है, और बी है यहाँ पे 200 मीटर, तो क्या करना है, इस 200 को मल्टीप्लाई करवा देना है जाके साइन से, 58 डिग्री 30 मिनट से, तो 200 मल्टीप्लाई साइन 58 डिग्री 30 मिनट, तो आंसर इसका आ रहा है 170.52 मीटर्स, तो ये आपके पास आ जाएगी हाइट ऑफ काइट, मतलब काइट कितना ऊंची है 170.52 मीटर ऊंची है। अब देखो ये वैसे प्रैक्टिकल कर भी सकते हो, कभी अगर आप लोगों ने पतंग उड़ानी हो ना और आपने अंदाजा लगाना हो कि उस पतंग की हाइट क्या है, तो मैं आज आपको मैथ सिखाता हूँ पूरी, सिंपल तरीका है कि आप अगर छत पे खड़े हो तो आप अपनी हाइट और छत की, मतलब जमीन से लेकर छत तक की हाइट कंसीडर कर लो, हमारे फोर जो नॉर्मली 15 फुट होता है जमीन से लेके हमारी जो बाउंड्री वॉल होती है ना, जो हम छत पे होते हैं, 12 से 15 फुट तकरीबन हाइट होती है उसकी सिंगल स्टोरी की नॉर्मली, तो कंसीडर कर लो 12 फुट तो आप जमीन के ऊपर हो, और उसके बाद आपके हाथ तक का फासला कंसीडर कर लो 3-4 फुट है, तो एज्यूम कर लो आपके जो धागा है ना वो जमीन से 16 फुट ऊपर है, तो ये डिस्टेंस आप नोट कर लो, उसके बाद आप सिंपल क्या करो, आप जो मांझा लिया हुआ है ना, आपने जो धागा लिया हुआ है उसकी लेंथ मेजर कर लो, कंसीडर कर लो आप मार्केट में गए हो, आपने 100 फुट लेंथ ली है, तो जितना आपने मांझा लिया है ना उसको फुल ओपन कर लो, जो 100 फुट है बिल्कुल उसका जो किनारा है वो अपने हाथ में रखो, और पतंग आपकी उड़ रही है, तो अब आपको पता है कि हाइपोटन्यूज यहाँ पे क्या होगा, ये अगर आपका हाथ है ये पूरा हाइपोटन्यूज धागे की लेंथ क्या होगी 100 फिट होगी, ऑब्वियसली थोड़ा वो सैग कर रहा होगा लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली हाइट निकालना चाह रहे हैं ना, एक्चुअल निकालना तो मुश्किल हो जाता है, तो हल्का फुल्का सैगिंग हो रही होगी लेकिन इग्नोर कर देते हैं उसको, तो ये चीज हमें पता है। इसी तरह एंगल निकालना एस्टिमेशन है कि आप एंगल किस तरीके से यहाँ पे निकालोगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आप अंदाजन बता सकते हो कि अगर आपने उसकी हाइट अगर इस तरह पकड़ा हुआ है, धागा इस तरह जा रहा है,
और आपका हॉरिजॉन्टल है, तो अंदाजन आप सोच लो कि यार एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो वंस अगर आपको ये चीजें पता चल जाए, आप आसानी से इसकी हाइट निकाल सकते हो। जबकि एंगल निकालने का इंस्ट्रूमेंट भी होता है बाय द वे, अब वो घर पे तो नहीं होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, थियोडोलाइट बोला जाता है, ये आपका एंगल निकालता है। माउंटेन्स की हाइट हम इसी इंस्ट्रूमेंट से मालूम किया करते थे, खैर वो अलग टॉपिक है। तो इस अगर ये इंस्ट्रूमेंट हो फिर तो बेस्ट है, आप आसानी से एंगल निकाल सकते हो। वंस आपके पास एंगल आ जाए, आपको उसका पता है, हाइट आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये मैथ की रियल एप्लीकेशंस है, मैं इसलिए बता दूं ताकि आप लोगों को पता चले कि मैथ सिर्फ बुक में नहीं लिखी हुई, इनको अप्लाई भी आप कर सकते हो, अप्लाई करना अगर आपको आता हो तो। सही है, कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना क्लास को एंड करते हैं। एक काम करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा था, छोटा है तो जरा कर लेते हैं यार वो भी। टॉप और ट्री, मैं चलो डायग्राम बता देता हूँ, मुश्किल सवाल नहीं है ये, एक दो आप लोग होमवर्क ले लो, काफी तो आप लोगों ने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया एक बंदा जो है वो 1.8 मीटर टॉल है, नहीं चलो ये मैं बाद में करवा दूंगा। 7 बोला गया ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द टॉप मेक्स एन एंगल 35 डिग्री, चलो मैं बाद में ही करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आप लोग समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क ले लो, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ में खाल में बिल्डिंग होती है बहुत बड़ी, उसकी बात की जा रही है, क्लिफ देख लेना क्या मतलब है, क्लिफ हाइट ही होगी शायद, एक बड़ी बिल्डिंग है, लिखा हुआ है फ्रॉम टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई, कंसीडर कर लो जो क्लिफ है पूरी 80 मीटर की है, इसके टॉप में कंसीडर कर लो यहाँ पे आप खड़े हुए हो बिल्कुल टॉप में, और आप क्या करते हो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट, वहां पे एक समुद्री जहाज जा रहा है, बोट कश्ती जो कहेंगे, हाँ कश्ती कह लेते हैं, कंसीडर कर लो वो यहाँ पे कश्ती है कहीं समंदर में कहीं होगी वो, तो आप टॉप पे खड़े हुए हो, आप उसको देखते हो, आपकी लाइन ऑफ साइट है, तो आपको क्या बोला हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 12 डिग्री 30 मिनट, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 12 डिग्री 30 मिनट, आप टॉप पे खड़े हुए हो और उस बोट को देख रहे हो, ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सही है, जो यहां पे एंगल बन रहा होगा मैंने बताया सेम एंगल यहां पे बन रहा होगा। अच्छा करना क्या है यहां पे, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, वो कह रहे हैं कि जो बोट है वो क्लिफ से कितना दूर है, तो ये बोट है ये क्लिफ है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये आपको बताएगा कि जो बोट है वो क्लिफ से कितना दूर है, ये आपको निकालना है। तो अगर ये ए बी सी है तो ये वाली साइड को हम सी बोलेंगे, ये आपको मालूम करनी है, अल्फा आपको गिवन है, ए भी आपको गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का यहाँ पे रिलेशन यूज होगा, मतलब टेंजेंट आप यूज करोगे और आसानी से यहाँ पे सी निकाल लोगे। ठीक है, बाकी जो 3 सवाल रहेंगे उसमें से मैं एक दो करवाऊंगा, तीसरा खुद ही समझ आ जाएगा, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में सॉल्व करते हैं और 12.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है टू मास्ट, ये मास्ट किसी को पता है क्या होता है, मैंने भी गूगल किया था, ये मास्ट होता है कि आप लोगों ने पुराने जमाने में देखी होंगी ना वो जो समंदरी जहाज जा रहे होते हैं उस पर उन्होंने को पर्दे टाइप के लटकाए हुए होते हैं, तो बड़े बड़े से पर्दे टाइप के होते हैं, तो वो जो आपका जो भी उन्होंने लगाया हुआ ना पर्दा, मुझे नहीं पता क्या काम होता है उसका, उसके साथ वो डंडे लगे हुए होते हैं पूरे, तो दो कंसिडर कर लो उस टाइप के डंडे हैं, और बोला हुआ एक की हाइट है 20 मीटर और एक की हाइट है 12 मीटर। सही है, उसके बाद लिखा हुआ है इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स, कि अगर आप उनके टॉप को आपस में ज्वाइन कर दो मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कि वो 35 डिग्री बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों डंडों के दरमियान आपको क्या निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। अब अगर सवाल को समझते हैं, देखो सिचुएशन ये बनेगी कि कंसीडर कर लो एक आपके पास, ऊपर चलो मैं डाटा लिख दूंगा, चलो ऐसी डायग्राम बना लेते हैं, कंसीडर कर लो एक आपके पास से स्टिक है कि लेंथ उन्होंने क्या बोली हुई है 12 मीटर है, ये 12 मीटर हो गया, ये इसका बिल्कुल बॉटम है, ये इसका टॉप है, थोड़ा छोटा बना देते हैं, दूसरी उन्होंने बोली है कि उसकी हाइट कितनी है, दूसरी वाली स्टिक की हाइट है 20 मीटर, तो कंसीडर कर लो दूसरी वाली इसके कंपैरिजन में तकरीबन यहाँ पे होगी कहीं, इस पूरे की हाइट कितनी है मीटर, लेवलिंग करने का वैसे तरीका होता है इस टाइप के ना, इसको भी 12 मीटर को आप इस तरह लेवल कर सकते हो। अच्छा तो एक स्टिक ये है एक स्टिक ये है, उन्होंने क्या बोला ये इनकी बेस होगी, जाहिर सी बात है बेस से कनेक्टेड होंगे, उन्होंने बोला कि आप क्या करो इन दोनों के टॉप जो है जो इनका टॉप वाला हिस्सा है उनको आपस में ज्वाइन कर दो, तो ये इनका टॉप वाला हिस्सा है मैं इनको आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, टॉप को ज्वाइन कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि ये जो आपने ज्वाइन करने के बाद जो टॉप से जो आपने ज्वाइन किया है ये जो लाइन है ये 35 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल कहाँ पे होगा ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और जहां से कितना एंगल बना रही है 35 डिग्री बना रही है,
ये सिचुएशन आपको सवाल में गिवन है कि एक स्टिक की 12 मीटर है हाइट, एक की 20 मीटर है, दोनों के टॉप को आप ज्वाइन करो तो जो टॉप जो है ये 35 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, सही है। सवाल आपको क्या बोला हुआ है, सवाल आपको बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उन दोनों स्टिक के दरमियान जो डिस्टेंस है ये आपको मालूम करना है, ये असल में आपका सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या, अच्छा कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये पूरा डिस्टेंस तो 12 है, तो बता सकते हैं इतना छोटा सा डिस्टेंस क्या होगा? एट तो अगर हम लेबल कर दें इसको, फॉर एग्जाम्पल इसको इसको ए बोल देता हूं मैं, इसको बी बोल देता हूं और इसको सी बोल देता हूं, तो ये डिस्टेंस मुझे पता है कितना होगा, 8 मीटर। बेसिक से मैथ मैंने यूज करके कर लिया, ये वाला डिस्टेंस मुझे मालूम करना है और सवाल क्या है, एंगल आपको दिया हुआ है, तो सिंपल करने का यहाँ पे तरीका क्या होगा, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। करने का तरीका ये है कि ये जो 12 और 20 का आपको फायदा किस तरीके से हुआ, ये लेंथ निकालने के लिए 12 और 20 को सब्ट्रैक्ट करके आपने लेंथ निकाल लेना। अब आपके पास जस्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल आपको पता है 35 डिग्री, परपेंडिकुलर आपको सवाल में दिया हुआ है 8 मीटर, और आपको निकालना क्या इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, तो ये पूरा डिस्टेंस है किसके बराबर है, बेस के बराबर है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मालूम क्या करना है, ए बी की लेंथ, जिसको मैं इस तरह लिखूंगा, ये जो पूरा ए बी है ना ये आपको मालूम करना है सवाल में, अगर डेटा आप बनाना चाहो। और क्या गिवन है आपको, जो बी सी है इसकी लेंथ कितनी सवाल में गिवन है कि 8 मीटर के बराबर है, और इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, अल्फा बोलूंगा, क्योंकि ए पे बन रहा है, अल्फा मुझे गिवन है 35 डिग्री, और सवाल सिंपल क्या है कि आपने ए बी की लेंथ निकालनी है। तो वंस अगर आप ये डेटा बना दो तो आपका सवाल काफी ईजी है, सिंपल। आप यहाँ पे टेंजेंट यूज करोगे, आप लिखोगे टेंजेंट अल्फा जो है वो किसके बराबर, इसको मैंने अल्फा लिया है, टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ऑन बेस, बेस यहाँ पे क्या है ए बी। ये लिखने का वैसे तरीका होता है, ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल बार है ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है और वर्टिकल बार डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा तो बी सी की लेंथ क्या है यहाँ पे बच्चों, 8 है, यहाँ पे क्या गिवन है 35 डिग्री, और ए बी आपको यहाँ पे मालूम करना है, सिंपल। ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी किस तरह निकालोगे, ए बी को आप इधर ले जाओ, टेंजेंट को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 8/35 डिग्री, और ये चीज आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, बल्कि जरूरी है आपका कैलकुलेटर डिग्री के अंदर हो, क्योंकि एंगल आप डिग्री में पुट कर रहे हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.43 आफ्टर राउंडिंग ऑफ, ये आपके पास ओवरऑल डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों स्टिक्स के दरमियान। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आपने दो जो डंडे लगे हुए थे उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम किया, बस बेसिक सा डेटा आपको गिवन था, उससे आपने ये परपेंडिकुलर निकाला जो राइट एंगल बन रहा था, और वहां से आसानी से आपके पास बेस आ गई, ठीक है। देख लो इस सवाल को पेपर में, देखो अभी तो मैं आप लोगों को समझा के पूरी डायग्राम बना देता हूँ ना, पेपर में आप लोगों के पास समझाने वाला कोई नहीं होगा, आपको खुद ही वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, आपको खुद ही उसका डाटा समझना है, खुद ही डायग्राम बना के सॉल्व करना है आपने, तो जरा क्वेश्चंस को भी साथ साथ पढ़ा करो ताकि आप लोगों को वर्डिंग समझ आए, और कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो ना कि इस वर्डिंग का मतलब क्या है, तो आप लोग पूछ लो साथ, ताकि पेपर में अगर कोई सवाल आए तो आप लोगों को मसला ना हो, ठीक है। अच्छा जी अब आ जाओ आखिरी सवाल के ऊपर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये आप लोग कर सकते हो, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है अ मैन 1.8 मीटर टॉल, कंसीडर कर लो कि एक बंदा है यहाँ पे 1.8 मीटर टॉल है, पूरा बंदा है जिसको मैं स्टिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इसकी बेस है और ये इसका टॉप है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाँ, ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री, उसके सामने एक दरख्त है, कंसीडर कर लो ये पूरा एक दरख्त है, सस्ता सा दरख्त है, कंसीडर कर लो कि वो इस दरख्त को देख रहा है, दरख्त के टॉप को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और जो लाइन ऑफ साइट है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है, सवाल में क्या गिवन है कि जो एंगल बन रहा है ये है 31 डिग्री 45 मिनट्स। अच्छा और साथ उन्होंने क्या चीज गिवन की हुई है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम, जो दरख्त है उससे वो 12 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो कंसीडर कर लो ये दरख्त का बिल्कुल बॉटम है और इस बंदे में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 12 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। सवाल आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ ट्री, पूछ रहे हैं कि जो दरख्त है पूरा इसकी हाइट बताओ, तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि कंसीडर कर लो इन सवालों को ना आप लोग खुद अपने ऊपर लेके समझो कि आप एक खड़े हुए हो, आपके सामने एक बड़ा सा दरख्त है, आप अपनी आंखों से देख रहे हो उस दरख्त को, अच्छा आप जमीन से, क्योंकि देखो दरख्त की आप जमीन से हाइट लोगे ना, आपकी भी हाइट है एक, तो ये जो आपकी आंख है
ये जमीन से कंसीडर कर लो 1.8 मीटर है, उसकी हाइट जो है 1.8 है, तो आप 1.8 मीटर की हाइट से उस चीज को देख रहे हो, ठीक है। तो आपकी आपका जो हॉरिजॉन्टल है और आपकी जो लाइन ऑफ साइट है जो आप उसको देख रहे हो, उसके दरमियान कितना एंगल बन रहा है, सवाल में आपको दिया हुआ है। इसी तरीके से मुझ में और जो सामने दरख्त बना हुआ है उसके दरमियान आपस में कितना डिस्टेंस है, 12 मीटर का। ये सिचुएशन आपने इमेजिन करनी है, और इस सिचुएशन को इमेजिन करके आपको जो दरख्त है ना, इस पूरी हाइट निकालनी है। अब जरा हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सिंपल आप एक काम करो, आप किसी तरह ये चीज निकाल लो, जैसे आपके पास ये आ गया ना, आप इसमें ये डिस्टेंस ऐड करोगे, पूरे दरख्त की हाइट आ जाएगी। दरख्त की हाइट निकालनी है तो दो हिस्सों में तकसीम करो ना, एक है दरख्त का ये वाला हिस्सा जो कि 1.8 मीटर होगा, 1.8 मीटर से कितना ऊपर है ये हमें नहीं पता, इतना तो हमें पता है 1.8 मीटर ना, मतलब बंदे की 1.8 मीटर हाइट है, तो इस लेवल पे दरख्त कितना होगा, 1.8 का होगा। इस पॉइंट के बाद हमें नहीं पता कि दरख्त की हाइट कितनी है, तो वंस आप इस पॉइंट से ऊपर दरख्त की हाइट निकाल लो, तो इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो ओवरऑल आपके पास दरख्त की लेंथ आ जाए, दरख्त की हाइट पूरी आ जाएगी। सही है, अगेन ट्रिग्नोमेट्री आपने यूज करनी है। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको पता है, बेस यहाँ पे क्या 12 मीटर, अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, सिंपल डेटा आप लोग बना देना प्रॉपर जिस तरह मैं बनवाता हूँ आप लोगों को। ये आपका आ गया एंगल, फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर कंसिडर कर लो इसको, मैं बोल देता हूँ ये ए है, ये बी है, इसको सी। आप लोग ये नहीं बनाना, मैं वैसे आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ, आप लोग वर्टेक्स ही बनाना। और आपको निकालना है कि आपको बीसी निकालना है, तो बीसी अपॉन बेस क्या है, ए बी। ए बी आपको पता है कितना, 12 मीटर, तो ये ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, तो यहां से आपके पास बीसी आ जाएगा, आपने बीसी निकाल दिया। जैसे ही आपके पास बीसी आ जाए तो फाइनल आपके पास आंसर क्या आएगा, आप लिखोगे हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, बीसी, जो भी बीसी आया होगा यहां पे लेंथ लिख देना, प्लस 1.8। तो जो फाइनल लेंथ आएगी आपके पास वो यहां पे आएगी हाइट ऑफ ट्री। तो मसला यहां तक नो सर। अब आखिरी सवाल रह गया, इसकी जरा सिचुएशन समझते हैं क्या लिखी है। लिखा हुआ अ विंडो वॉशर, खिड़कियां साफ करने वाला, इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग, सही है, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। एक ऑब्जर्वर है जो फारिग बंदा है, मेजोरिटी पाकिस्तान में फारिग होते हैं, हम घर के बाहर निकलो फारिग बैठे होते हैं कुर्सियों पे, तो एक ऑब्जर्वर है जो रैंडम किसी बिल्डिंग को देख रहा है, उस बंदे को जो ऊपर साफ कर रहा है खिड़की, और वो 20 मीटर दूर है उससे, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्कर टू बी 30 डिग्री, के कंसिडर कर लो अगर मैं फारिग हूं, मैं नीचे से देख रहा हूं उसको, तो और उसके बिल्डिंग और मेरे दरमियान कितना डिस्टेंस है, 20 मीटर का, पहली चीज ये आपको पता है। दूसरा जो मेरा हॉरिजॉन्टल है और जो मैं उसको देख रहा हूं, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। इधर मैं सिचुएशन बना देता हूँ, कंसिडर कर लो एक बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग थी, और यहाँ पे जो खिड़कियां साफ कर रहा था ना वो यहाँ पे है, मैंने यहीं पे क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया वो आपको समझ आ जाएगी। कंसिडर कर लो अभी वो यहाँ पे है, ठीक है, ये बिल्डिंग के बिल्कुल बॉटम है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, कंसीडर कर लो। अब उस बंदे की ना इन्होंने हाइट वेट दी हुई है कुछ, कंसीडर कर लो कि बंदे की हाइट इग्नोर की हुई, अगर बिल्डिंग बड़ी है तो वो उसको पॉइंट ही कंसीडर कर लो। तो वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से देख रहा है इस तरीके से, ये वो जो बंदा था जो खिड़की साफ कर रहा है, और ये ऑब्जर्वर जो यहाँ पे देख रहा है। तो एंगल सवाल में क्या गिवन है, 30 डिग्री, एलिवेशन क्या है 30 डिग्री, और वो बिल्डिंग से कितना दूर था, वो बिल्डिंग से 20 मीटर दूर था, तो बिल्डिंग और उस बंदे में कितना फर्क है, कितना डिस्टेंस है, 20 मीटर है, ये अभी तक आप लोगों को कंडीशन दी गई है। फिर क्या लिखा हुआ है, द वर्कर क्लाइम्स अप 12 मीटर, तो बोलने के जो वर्कर था ना जो खिड़की साफ कर रहा था वो अब 12 मीटर ऊपर चला गया, एंड द ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर फार्दर अवे, दोनों को एकदम से पता नहीं क्या हुआ है कि ये पीछे जा रहा है और वो ऊपर जा रहा है, तो ये कितना पीछे गया बंदा, बंदा जो है वो तकरीबन 4 मीटर पीछे गया, तो कंसीडर कर लो डिस्टेंस पूरा किया 4 मीटर, जो अपनी ओरिजिनल जगह पे था ना उससे वो पीछे आया है 4 मीटर आ गया, ऑब्जर्वर मूव 4 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। जाहिर सी बात है अगर वो इस तरफ मूव करता है तो बिल्डिंग के मतलब क्लोज हो जाता ना, वो बोल रहे हैं कि फार अवे मतलब बिल्डिंग के दूसरी तरफ वो जा रहा है, दूर जा रहा है, कितना दूर गया 4 मीटर, पहले यहां पे था अब वो 4 मीटर पीछे चला गया, और वो जो वर्कर काम कर रहा था वो 12 मीटर ऊपर चला गया, कंसिडर कर लो अब वो यहाँ पे चला गया, ये पूरा डिस्टेंस क्या है 12 मीटर, पहले वो यहाँ पे था अब वो 12 मीटर ऊपर चला गया। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर, वो कह रहे हैं कि बताओ न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, मतलब जो वो बंदा जब यहाँ पे पहुंचा होगा और वो इसको इस तरह देखेगा,
तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये आपको मालूम करना है, ये सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो समराइज करता हूं। एक बंदा है वो उसको देख रहा है, उसके और उसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब वो बंदे की हाइट क्या है, उन्होंने कोई इसमें कंसिडर की भी नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं, निगलेक्ट कर दो उसको। तो वो जो उस बंदे को देख रहा है, 30 डिग्री आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये जो बंदा है ये बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे। उसके बाद क्या हुआ, वो जो वर्कर था वो 12 मीटर ऊपर चला गया, पहले यहाँ पे था, अब वो 12 मीटर ट्रेवल करके ऊपर चला गया, और वो जो बंदा पहले यहाँ पे था वो 4 मीटर पीछे आ गया। अब जब बंदा यहां से उसको देख रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, वही आपको यहाँ पे मालूम करना है। ठीक है, ये पूरी सिचुएशन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। अब आप यहाँ पे डेटा बनाओगे तो किस तरह बनाओगे, नेमिंग दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बड़ा वाला राइट ट्रायंगल है, दो राइट ट्रायंगल है ना, एक ये वाला है और एक छोटा वाला है। तो बड़े वाले को फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए बी सी, और इसको मैं कहता हूँ डी, और इसको हम नाम दे देते हैं ई। क्योंकि नेमिंग जो है, जाहिर सी बात है, अब इसको आप दो दफा तो नेम नहीं करोगे ना, तो आप अपनी तरफ से नेमिंग कर दो। यहाँ पे आपने दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करने, हम जरा देखते हैं दोनों को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। आपका मकसद क्या है, मकसद आपका ये एंगल मालूम करना है। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं कि एंगल मालूम करने का कोई तरीका है हमारे पास है नहीं। अगर आपको एंगल मालूम करना है तो आप बड़ा वाला राइट ट्रायंगल कंसीडर करोगे, कौन सा राइट ट्रायंगल, ए बी सी। इस वाले राइट ट्रायंगल में आपको कोई ना कोई दो चीजें पता हो तो आपका आसानी हो जाएगी, लेकिन दो चीजें आपको नहीं पता। क्यों, देखो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसकी पूरी लेंथ आपको पता है, इस पूरे की लेंथ कितनी होगी, 20 + 4 = 24, तो बेस तो आपको पता चल गई है, चलो ये आसानी है। लेकिन आपको परपेंडिकुलर नहीं पता, ये पूरा डिस्टेंस आपको नहीं पता, आपको बस इतना पता है ये 12 मीटर है। जैसे ही आपको पूरा डिस्टेंस पता चल जाए तो आप यहाँ पे टेंजेंट यूज करोगे और ये एंगल आ जाएगा। तो आपका ये एंगल मालूम करने के लिए आपका मेन मकसद क्या है, किसी तरीके से ये पूरी हाइट आपको, मतलब इतनी सी हाइट पता चल जाए, आप 12 के अंदर ऐड करोगे आपको पूरी हाइट मिल जाएगी, और अगर वो हाइट मिल गई आप टेंजेंट यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हाइट मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, अब आप छोटे ट्रायंगल पे जाओगे, छोटा ट्रायंगल कौन सा है, डी बी ई। अब जरा इस पे आते हैं, अगर आप इस पे देखो आपको दो चीजें पता है, आपको इसकी बेस भी पता है, आपको एंगल भी पता है, आप परपेंडिकुलर आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, आप इसके अंदर ऐड करोगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आ जाएगा और उससे आप आसानी से एंगल निकाल लोगे। ये पूरा हमने मेथड यहाँ पे करना है, सही है। अब मैं करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को मजीद समझ आएगा। यहाँ पे कुछ देखो, अगर डायग्राम में आप हर चीज लेबल की भी है, मेंशन किया हुआ है 12, हर चीज अगर मेंशन की भी है ना, तो फिर डाटा बनाने की आपको जरूरत नहीं है। डाटा नॉर्मली उस वक्त बनेगा जब डायग्राम में आपने कुछ चीजें मिस की नहीं है, पूरा कंप्लीट लिखा हुआ नहीं है, डाटा पे आपको क्लियर हर चीज। बस ये अल्फा है ना, तो आप यहाँ पे अल्फा लिख दो, दिखने में लग रहा है आपको अल्फा निकालना है यहाँ पे, तो डाटा आपका बना हुआ पूरा। सॉल्यूशन पे आते हैं, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करो, इन ट्राइंगल डी बी ई। देखो ट्राइंगल की जो आप नेमिंग करते हो ना, और जो जिस तरह उसको नाम रखते हो, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो हम एंटी छोटे वाले ट्राइंगल को एंटी क्लॉकवाइज ही बोलेंगे, डी बी ई, इसी तरीके से बोल रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपको ये छोटा सा परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब बी ई ये आपको निकालना है। तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे टेंजेंट यूज करोगे। टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बीई, बेस क्या है, डीबी। जरा पुट कर दो, बीई तो आपको यहाँ पे मालूम करना है, वो तो अननोन है, जबकि डीबी आपके पास क्या है, यहाँ पे 20 मीटर है, सही है। अगर आप लोग यहाँ पे बीई निकालना चाहोगे तो बीई कैसे निकलेगा, इस 20 को जाके मल्टीप्लाई कर दो टेंजेंट 30 से, 20 × टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, लेकिन आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ही 20 को मल्टीप्लाई करो टेंजेंट 30 से, और आपको आंसर मिल रहा है बीई की लेंथ है 11.55, राउंड ऑफ करने के बाद ये आपके पास बीई की लेंथ आ गई है। जैसे ही आपके पास बीई की लेंथ आ जाए, अब आप ओवरऑल पूरी लेंथ निकाल सकते हो। ओवरऑल पूरी लेंथ कैसे निकालोगे, ओवरऑल क्या है, बी से लेके सी तक, तो बी से लेके सी तक कैसे आएगा, तरीका क्या होगा कि ये जो आपके पास बी से लेके ई तक लेंथ आई है, से लेके ई तक जो लेंथ आई है उसके अंदर आप ऐड कर दोगे 12 मीटर, तो 11.55 के अंदर आप ऐड कर दो 12, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 पॉइंट नीचे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 23.55 मीटर, आपके पास बी सी आ गया। जो आपका मकसद था ना पूरा हो गया, आप चाह रहे थे कि बड़े ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, ये बड़ा शब्द,
ये आ जाए और ये आपके पास आ गया 23.5। जैसे ही आ गया, अब आप इस पोजीशन में हो कि आप आसानी से यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हो। तो अब आप कंसीडर करोगे ट्राइंगल कौन सा बड़ा वाला, ए बी सी। तो हम कंसीडर करते हैं ए बी सी, सॉरी के लिए आप क्या सिंबल यूज करते हो, डेल्टा का सिंबल ये वाला यूज कर रहे होते हो। तो ट्राइंगल ए बी सी में अब अल्फा आपको निकालना है ना, तो टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। बेस क्या है, ए से लेके बी तक, बेस है ए से लेके बी मतलब ए बी। अच्छा जी, अल्फा यहाँ पे आपको निकालना है, बी सी आपको पता है, बी सी सवाल में आपने निकाल लिया 23.55, और ए बी भी आपको पता है 4 + 20, ये भी आ जाएगा। अब टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, जरा कैलकुलेटर से निकालते हैं। अच्छा कैलकुलेटर में अगर आपने एक्यूरेट आंसर निकालना है, क्योंकि देखो मसला क्या होगा, अगर कोई बंदा इसको फ्रैक्शंस को सॉल्व करेगा तो पहले पॉइंट में लिखेगा, फिर वो फिर नेक्स्ट स्टेप में टेंजेंट को उधर लेके जाएगा, टेंजेंट इनवर्स निकालेगा, तो दोनों दफा आपको राउंड ऑफ इस सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो बेस्ट हल पता है क्या है, आप इसी स्टेप में क्या करो, डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये पुट करो, ये नहीं कि पहले आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो उसके बाद, या इसका भी एक तरीका होता है कैलकुलेटर में, एक ऑप्शन होता है कि बिलफर्ज आप इस फ्रैक्शन को कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे। मैं कैलकुलेटर में लिखता हूँ 23.55 और नीचे लिखता हूँ 24, ये मैंने अपनी फ्रैक्शन लिखी, कैलकुलेटर मुझे एक आंसर दे देगा। ठीक है, अब अगर आप चाह रहे हो, जैसे आंसर है 0.98125, अब आप क्या करोगे, अब आप टेंजेंट इनवर्स में दोबारा पुट करोगे 0.98125, टाइम लगेगा। आप पता क्या करना है इसके बाद, आप जस्ट शिफ्ट दबा के टेंजेंट का बटन दबाना, टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। ये नीचे एंड पे ना आपको एक ए एन एस का बटन मिलेगा, ए एन एस का मतलब होता है जो आंसर आपने निकाला है ना, ये उसमें सेव हुआ हुआ होता है, जो अभी आपने आंसर निकाला था, तो जो आंसर आया होगा ना इस पूरे फ्रैक्शन का, आप ये बटन दबा दो, दैट्स इट। टेंजेंट इनवर्स ए एन एस, ए एन एस का मतलब जो पुराना आपका आंसर आया था, दैट्स इट, इक्वल दबाओ आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आपको दोबारा वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है जो आपने पहले निकाली थी, इस तरीके से भी आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा 44.46 डिग्री, और ये बात लॉजिकल भी है। अच्छा एक बात बताओ, एक वैसे सवाल है, अच्छा इस सवाल में कोई इश्यू है किसी को तो पूछ लो, सवाल आपका कंप्लीट हो गया, अल्फा आ गया, कोई मसला है यहां तक, सवाल ये है कि अगर कोई एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम का मजार है, आप जब जाते हो तो आप लोगों को क्या लगता है, जितना आप मजार के करीब जाओगे आपका एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, कंसीडर बड़ा कर लो ये पूरी बिल्डिंग है, सही। हाँ बिल्कुल बेसिक सी बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया, बड़ा। फॉर एग्जाम्पल आप जितना कंसीडर कर लो पूरी बिल्डिंग है, आप जितना इसके नीचे आओगे ना, और अगर आपने टॉप देखना है उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा। देखो तो मैं टॉप इस तरह देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन में बड़ा हो जाएगा, और जितना मैं दूर चला जाऊंगा इससे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये बात आपको बस पता होनी चाहिए, बेसिक सी बात है।